कुछ दिनों के लिए अपने स्टेशन को बाय बाय बोलते हैं। ख्याल रखना जब तक हम वापस आते हैं। थोड़ी 125 सीसी है बाइक, कितना खींचेगी? नॉन स्टॉप खींच रहे हैं कब से, 70-80 यही चल रहे हैं। और इसका इंजन हल्का सा गर्म हो गया है, भींग जाएंगे तो 200 किलोमीटर जाना फिर तो संभव ही नहीं, पूरा भींग जाएंगे। ओहो, कैमरा में भी पानी पड़ रहा है। ओहो, तो लीजिए दोस्तों फाइनली एमपी को क्रॉस कर रहे हैं। एमपी का ये लास्ट बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर अभी आगे थोड़ा सा, लेकिन चेक पोस्ट है ये। उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका स्वागत करता, वेलकम टू यूपी टूरिज्म। ओहो, लीजिए दोस्तों पहुँच गए हम लोग एमपी और यूपी के लास्ट, ये मतलब ये बॉर्डर है। अगर आप ओड़ी मोड़ से जाएंगे सिंगरौली के लिए तो यहीं से अब आपको बस में वो मिलती है, जीप मिलती है, ये तो और कोई सुविधा नहीं है आपको यहाँ से सिंगरौली जाने के लिए। तो सामने का क्या नज़ारा है, 4 महीनों के बाद ये मेरा घर है, ये चाचा घर है, वो बड़े पापा का घर है। तो फाइनली दोस्तों बाइक पर सारा सामान अपना हो चुका है सेटअप, और एक बैग वो रहा, हेलमेट में सारा वो ग्लव्स रहा। बस दोस्तों निकलते हैं, टाइम हो रहा है लगभग 8:04, ड्यूटी से आए हैं तुरंत, रेडी सेडी हुए हैं, सामान सब वगैरह सब तो पैक कर लिए थे कल रात में ही, बस थोड़े बहुत सामान थे जो उनको अरेंज करना था, बस निकलते हैं तुरंत। लेकिन मौसम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, बारिश वाला हो गया है, लेकिन निकल जाते हैं यहाँ से एक बार, 10-15 किलोमीटर अनपरा है, वहाँ निकल जाएंगे तो उधर मौसम हो सकता है यूपी में थोड़ा ठीक हो। निकलते हैं और अपने घर को, अपने इस वाले घर को कुछ दिनों के लिए बाय बाय बोलते हैं। ख्याल रखना, मतलब अपने दूसरे वाले घर पे, ठीक, अपना ख्याल रखना, बस जल्दी आएंगे वापस, तब तक अपना ख्याल रखना। ठीक है दोस्तों निकलते हैं, मिलते हैं आपसे बाइक पर। ग्लव्स पहनते हैं फटाफट से और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं घर को जाने के लिए, प्लस उसके बाद 200 किलोमीटर्स लॉन्ग राइड ऑन माय ब्लैक ब्यूटी, तगड़ा होने वाला है दोस्तों। बस बने रहिए वीडियो में और फुल एंजॉय होगा, फुल रास्ता तो इतना खूबसूरत है कि मत पूछिए, खूबसूरत नज़ारों को। अपनी बाइक को थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट नहीं किया है सुबह से, अपना चैन कल ल्यूब करवाए थे, क्या प्यारा लग रहा है एकदम, लेकिन चैन ज़्यादा टाइट कर दिया, इसको चल के थोड़ा सा लूज़ कराएंगे हल्का सा, बहुत ज़्यादा टाइट कर दिया था क्योंकि कट कट का आवाज़ कर रहा, देख रहे जरा सा भी इसमें वो नहीं है, तो हल्का सा लूज़ कराएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है। अपनी बाइक भी फुल एनर्जी से भरा हुआ और हम भी फुल एनर्जी से भरे हुए, बस एक काम गड़बड़ हो गया, इसका चैन थोड़ा सा ज़्यादा टाइट है, कट कट की आवाज़ कर रही है। तो अभी ड्यूटी से जब आया तो ध्यान दिया, जब बाइक थोड़ा सा निकाल रहा था तो बस वहीं चलते हैं, दुकान खुल गया होगा, बस चैन के चैन ल्यूब कराते हैं थोड़ा, चैन सॉरी हल्का सा लूज कराएंगे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। लीजिए दोस्तों दुकान इसका खुला ही नहीं है, कोई नहीं, अब रास्ते में करवा लेंगे, रास्ते में अभी क्योंकि सुबह का 8 बज रहे हैं तो बहुत सारी दुकानें नहीं खुली होंगी, कोई नहीं रास्ते में करवा लेंगे। अब निकलते हैं अपनी मंजिल की ओर, अपने घर की ओर। 4 महीने के बाद घर पर जाने का जो खुशी है ना, मतलब एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड, आप बता नहीं सकता मेरी फीलिंग्स। जय भोलेनाथ, कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा, अच्छे से जाएं। नायक भैया, हाँ अभी जा रहे हैं, चलते हैं दोस्तों स्टेशन को भी बाय बाय बोल देते हैं कुछ देर के लिए, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक वापस आएंगे घर से, तब तक के लिए और थोड़े फ़ोटो वगैरह क्लिक करा लेते हैं। ये है अपना वर्किंग स्टेशन सिंगरौली, और भाई साहब कोई दिख ही नहीं रहा कि फ़ोटो क्लिक कौन करे। बाय बाय बोलते हैं और कुछ दिनों के लिए अपने स्टेशन को बाय बाय बोलते हैं। ख्याल रखना जब तक हम वापस आते हैं, वैसे तो यहाँ पे 25-30 पॉइंट्स मैन काम करते हैं। ठीक है, बाय बाय, सी यू, जल्दी मिलेंगे, जल्द वापस आएँगे, काम तो यहीं करना है तो यहीं जल्दी वापस ही आना पड़ेगा। अब क्या नाम है, थंबनेल के लिए 2-4 फ़ोटो क्लिक कराए हैं, अब निकलते हैं सीधे फुल एनर्जी के साथ महादेव। बस यही थोड़ा सा 10-15 किलोमीटर जो रास्ता है अनपरा तक का,
यही रास्ता थोड़ा गड़बड़ है, मतलब हाई ट्रकें बहुत ज़्यादा चलती हैं और ये डस्ट वाला जो है ना एरिया थोड़ा इधर से ज़्यादा है। उसके बाद जहाँ एक बार अनपुरा पहुँच गए उसके बाद तो रास्ता और मौसम और उसके बाद नज़ारे एक नंबर का। आप भी इंजॉय करेंगे, हम भी इंजॉय करेंगे अपनी ब्लैक ब्यूटी के साथ। तो चैनल पे बने रहिए, 200 किलोमीटर का लॉन्ग राइड ऑन माय ब्लैक ब्यूटी नॉन स्टॉप तगड़ा होने वाला है दोस्तों, आज बेहद ही तगड़ा। ओ भाई साहब, अपनी ब्लैक ब्यूटी भी एकदम फुल ऑन मस्ती में, फुल ऑन जोश। ओहो हो, लीजिए एक और प्रॉब्लम खड़ी हो गई, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई। बाप रे, उधर तगड़ी बारिश स्टार्ट हो गई है उधर। अब इंतज़ार करना पड़ेगा, अपने को रुकना ही पड़ेगा। भींग जाएंगे तो 200 किलोमीटर जाना फिर तो संभव ही नहीं, पूरा भींग जाएंगे। ओहो, कैमरा में भी पानी पड़ रहा है, साइड में लगा लेते कहीं। ओ भाई साहब, दोस्तों ये रोड के किनारे शॉप में रुक गए हैं, बारिश तो स्टार्ट हो गई। हालांकि अभी हल्की हल्की हो रही है, लेकिन ये हल्की हल्की बारिश भी मुझे भिंगा देगी निकलेंगे तो। कब बंद होगी, कितना वेट करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसी चीज़ का डर था और सबसे ज़्यादा, और यही बारिश स्टार्ट हो गया। सुबह से बारिश नहीं हो रहा था लेकिन अभी स्टार्ट हो गया। बारिश तो रुकने से रही नहीं दोस्तों, निकल गए थे कैमरा रख करके अपने, क्या नाम है, बैग में कैमरा रख लिए थे कि बस कैमरा बच जाए, बाकी हम भींग जाए कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि सिंगरौली का बारिश का देख रहे, वेदर कंडीशन देख रहे थे तो उसमें तो दिखा रहा था कि और तगड़ा होने वाला है, तो हम सोचे कि ये अभी हल्का हल्का है निकल जाते हैं। वैसे अभी इधर आए तो एकदम बंद हो गया, हल्की हल्की हो रही है, निकल जाते हैं ऐसे ही मौसम में। बारिश होगी तो कैमरा निकाल करके रख लेंगे। ओहो, तो लीजिए दोस्तों फाइनली MP को क्रॉस कर रहे हैं। MP का ये लास्ट बॉर्डर है, मतलब बॉर्डर अभी आगे थोड़ा सा, लेकिन चेक पोस्ट है ये MP पुलिस का। यहाँ पे मतलब ट्रकों का ये जो चेक इन वगैरह करते हैं सब, तो ये लास्ट है। इसके बाद थोड़ी सी दो किलोमीटर आगे बॉर्डर है, वहाँ पे उसके बाद एंटर कर जाएंगे हम UP में। और अनपरा, क्या नाम है ये, सोनभद्र का स्टेट लगता है। ओहो, लीजिए दोस्तों पहुँच गए हम लोग MP और UP के लास्ट, ये मतलब ये बॉर्डर है, और मध्य प्रदेश का भी देखिए, ये MP का बॉर्डर का ये जो बैरिकेड लगा हुआ है, और सामने उत्तर प्रदेश का बोर्ड लगा हुआ है। ओहो, एंटर कर गए अपने यूपी में, अपने प्रदेश में, राष्ट्रीय राजमार्ग 75E उत्तर प्रदेश सीमा प्रारंभ। ओहो, तो लीजिए दोस्तों फाइनली एंटर कर गए अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश पर्यटन आपका स्वागत करता, वेलकम टू UP टूरिज्म। ऑडी मोड़ 2 किलोमीटर, ऑडी मोड़ पे ही पेट्रोल पंप है, वहाँ पे भी पेट्रोल फुल कराएंगे अपने टैंकी का। तो फाइनली पहुँच गए दोस्तों ऑडी मोड़, ये जो है अनपरा में पड़ता है, ऑडी मोड़ तिराहा है उधर सामने जो एक रास्ता, अभी दिखाते हैं आपको। अगर आप ऑडी मोड़ से जाएंगे सिंगरौली के लिए तो यहीं से आपको बस में वो मिलती है, जीप मिलती है, नहीं तो और कोई सुविधा नहीं है आपको यहाँ से सिंगरौली जाने के लिए। पीछे जो ब्रिज है उसके नीचे बहुत सारी खड़ी होती हैं जीप वगैरह, ऑटो वगैरह, टेम्पो, वहाँ से आपको मिलेगी। तो ये है ऑडी मोड़ चौराहा, ये सामने जो रोड गई ये चली जाएगी शक्ति नगर, ये वाला सीधे चला जाएगा रेणुकूट, चौपन, रॉपटगंज होते हुए बनारस, और उस बीच में से रास्ता कटता है अनपरा के लिए, सॉरी ये मिर्ज़ापुर के लिए। तो अपने को जाना है बनारस मुगलसराय, तो अपने को पकड़ना है ये वाला रास्ता। आगे देखते हैं पेट्रोल पंप आएगा तो फिर टैंकी फुल करा लेंगे वहाँ से, एक बार टैंकी फुल हो जाए उसके बाद फिर बाइक यूं भगाते हुए पहुँचेंगे, मतलब जाएंगे आराम आराम से, कोई टेंशन नहीं है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम आराम से ही जाएंगे। और ये देख रहे हैं दोस्तों सामने बड़ी बड़ी चिमनियाँ, ये है NTPC, और आ गया पेट्रोल पंप, यहीं से डलवा लेते हैं, टैंकी फुल करवा लेते हैं। और यहाँ पर अपने को टैंकी फुल ईज़िली हो जाएगा, और यहाँ UP में थोड़ा MP से सस्ता पेट्रोल रहता है ना। कार्ड स्वाइप हो जाएगा, टैंक फुल करिए। लीजिए दोस्तों टैंक हो चुकी है फुल, 970 का आया है पेट्रोल इसमें, और अपने बाइक का पेट्रोल भी फुल हो गया है, 970 रुपये में आया है, 9.5 लीटर 970 में।
और ये स्टार्ट हो गया दोस्तों सोनभद्र का, मतलब रेणुकूट और अनपरा के बीच में, मतलब तगड़ा वाला एकदम रास्ते के बीच में एकदम जंगल पड़ता है, तो ये वही वाला पैच है। रास्ता एक नंबर का खूबसूरत है, क्या खूबसूरत रास्ता है दोस्तों। हम तो इधर से पहले भी आ चुके हैं, लेकिन आप लोग देख सकते हैं क्या खूबसूरत रास्ता है। ऐसा लगता है कि पूरा जंगलों का, घने जंगलों का बीच से एकदम रास्ता गुजर रहा है और बेहद ही खूबसूरत। हालांकि बस एक ही थोड़ा सा रिस्क वाला काम है कि मतलब ये सिंगल रोड है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चलना पड़ेगा। तो आराम आराम से चलेंगे, 50-60 पे, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि बारिश भी हो रखी है। जो ये रोड है ना, इसमें मतलब टर्निंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, तीखे तीखे मोड़ हैं। रेणुकूट 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर आधे घंटे में पहुँच जाएँगे। और रेणुकूट में एक बार पहुँच जाए वहाँ पे करेंगे नाश्ता वगैरह, अपने को भूख लग रही है। 9 बज गया है सुबह से, कुछ मतलब बस पानी वगैरह पिया था। अपने कैमरे में बार बार फोग जम जा रहा है, पता नहीं क्यों, यही एक टेंशन है। ये भी अलग ही टेंशन है, बार बार फोग जम जा रहा है लेंस पे, मतलब कैमरे के लेंस पे अंदर से फोग जम जा रहा है। जब उसको खोल करके हवा लग जा रहा है तो फिर सही हो जा रहा है, अब फिर बंद कर दे रहा हूँ तो थोड़ी देर बाद फिर फोग जम जा रहा है। भाई साहब क्या तीखे तीखे मोड़ है, देख रहे हैं क्या तीखा एकदम तगड़ा वाला है। इन रास्तों में तो दो ही चीज़ तो मिलेंगे, एक तीखा तीखा मोड़, मतलब एकदम ख़तरनाक वाला टर्निंग, और फिर घने जंगल, और हाथी नाला तक तो यही मिलने वाला है। उसके बाद तो फिर सीधे स्टेट हाईवे हो जाता है, अरे सॉरी NH हो जाता है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा स्टेट ही रहता है। अब लीजिए दोस्तों पहाड़ पर से अब उतर रहे हैं नीचे, ये ख़तरनाक वाला तीखा तीखा मोड़, ये थोड़ा सा रिस्की है, यहाँ पे रहता है। इस पर ट्रकें अक्सर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, क्योंकि ये जो है ना डैम है, डैम तो ऊंचाई पे होता है, तो पूरा एकदम नीचे ऐसे ढलान है, ऐसे 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 ढलान है, अब रास्ता उतरेगा नीचे। बहुत ही ज़्यादा तीखे तीखे मोड़ मिलेंगे, देखिए ये है रिहंद नदी, हमको उसी ब्रिज से जाना है अपने को। सामने है वन देवी का मंदिर, अपने को उसी ब्रिज पे जाना है, दिखाई दे रहा होगा तो दे रहा होगा, देख रहे हैं रोड पूरा वैसे ऐसे ऐसे से घूम करके जंगलों के बीच से ऐसे से ढलान है। मौसम का कोई ठीक नहीं है, जब तक मौसम खुला हुआ है तब तक अपने को रुकना नहीं है, नहीं तो भाई साहब जो भींगेंगे फंसेंगे फिर, तो फिर घर ही रह जाएंगे, और अपने को ये काम नहीं करना है बिल्कुल भी। ओ भाई साहब क्या तगड़ा तीखा मोड़ है। ये सीटी की आवाज़ हेलमेट में बस आ रही है ना, विंड ब्लास्ट तो ख़त्म हो गया, लेकिन तेज़ हवा आ रहा है ना, तो जो ये इसको होल्ड करने के लिए माउंट लगाया हुआ है, कैमरा माउंट, हेलमेट माउंट, तो थोड़ा सा जो वाइजर है ना पूरा कंप्लीट क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से हल्की हल्की सीटी की आवाज़ आ रही है, हवा जब उसमें से एंटर कर रहा है, जब 60-70 के ऊपर जा रहा हूँ तब ऐसा फील हो रहा है, या फिर तेज़ हवा चलेगा सामने से तब। भाई साहब ये देखिए तीखा एकदम, कितना तीखा मोड़ है, पूरा बाइक लेट गई, का भी मज़ा अलग ही है। लेकिन ये जय हो माता रानी, वन देवी मंदिर है, बहुत ही फेमस है। भाई साहब साइड दे दीजिए अपने को, जितना ट्रकों से दूर रहे उतना ही बेहतर है, इनका कोई ठीक नहीं है, ख़ास करके इन जैसे रास्तों पे, टेरेंस पे जितने भी हैवी व्हीकल है उनको या तो आगे जाने दीजिए आप रुक जाइए, या तो उनको उनसे दूर ही रहिए, दूरी बना करके। तो लीजिए दोस्तों पहुंच गए, ये है डैम, क्या नाम है ये, रिहंद बांध, पिपरी डैम भी बोलते हैं इसको, रिहन डैम बोलते हैं, और चल रहा है यहाँ पे सेल्फी। इसमें से पानी तो गिरता हुआ मैंने बहुत कम ही देखा हुआ है, कभी ऐसा देखा ही नहीं कि मैं पानी गिरता हुआ। पहुँच गया आदर्श नगर पंचायत पिपरी, और इसी के नाम पे पिपरी डैम पड़ा हुआ है, इसी के एरिया में पड़ता है, इसी वजह से आई थिंक लगता है पिपरी है। उसके बाद दो से तीन किलोमीटर बाद रेणुकूट में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ा नाश्ता वगैरह करेंगे,
थोड़ा पेट पूजा करेंगे। ओ भाई साहब, धूप भी है और एकदम फाउंटेन जैसा बारिश हो रहा है। तो लीजिए दोस्तों, पहुंच गए हैं रेणुकूट, गर्मा गर्म खाते हैं उसके बाद फिर निकलेंगे। तब तक हो सके तो बारिश भी रुक जाएगी तो ये भी काम बढ़िया हो जाएगा। कचौड़ी गर्म है क्या? हाँ लगाइए। तो खाते हैं दोस्तों गर्मा गर्म, भैया थोड़ा और घिसक जाइए ना। कचौड़ी गर्मा गर्म है, खाते हैं। 100 ग्राम जलेबी निकाल दीजिएगा, गर्मा गर्म दीजिएगा। कचौड़ी जी दोस्तों, नाश्ता तो कर लिए हैं, अब गर्मा गर्म जलेबी है इसको खाते हैं, उसके बाद फिर निकलेंगे। और देखते देखते मौसम भी मतलब खुल गया है, बारिश बंद हो चुका है। चलिए दोस्तों, नाश्ता वगैरह तो कर लिए हैं, अब पेट पूजा हो गया है। अब अपने को कोई टेंशन नहीं है, या तो सीधे घर ही लगा देंगे, या तो सीधे घर ही लगा देंगे, या तो बीच में का एकाक रेस्ट लेंगे, 54 में लेंगे सीधे। अपनी ब्लैक ब्यूटी की भी तो पेट पूजा अनपरा में ही करा दिया था फुल टैंक, अब अपना भी हो गया है फुल टैंक। मतलब 10-15 मिनट रुके होंगे, 10-15 मिनट में नाश्ता कर लिए। एक मिनट भाई, ये हिंडालको इंडस्ट्री लिमिटेड उसका ऑफिस है। लीजिए दोस्तों, फाइनली निकल गए हैं रेणुकूट मार्केट से बाहर। क्या कॉर्नरिंग है दोस्तों, लीन करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन थोड़ी ये इसके टायर इतने वाइड नहीं है ना, तो थोड़ा सा रहता है रिस्क। अभी नए टायर है, नई बाइक है, तो इसमें ग्रिप अच्छा रहता है, पकड़ के चलती है। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हाथी नाला, और देखते हैं यहीं पर रुक जाते हैं थोड़ा, या कोई शॉप वगैरह मिलता है तो पनीक वगैरह ले लेते हैं कैमरे के लिए। वाराणसी 139 किलोमीटर, रॉपटगंज 51 किलोमीटर, ये है हाथी नाला। आ चुका है ये अपना पहला टोल क्रॉस, मतलब ये अपना पहला टोल क्रॉस करेंगे, लेकिन अपना तो इन हाईवे पे तो बाइक का कोई टोल लगता नहीं है, तो अपन साइड से निकल जाएंगे। अगर यही एक्सप्रेस वे रहता तो बाइकों को भी टोल देना पड़ता। बस डाला पहुंचने वाले हैं दोस्तों, रह गया है 5-7 किलोमीटर और। इलेक्ट्रिक बाइक को पेट्रोल बाइक खींचता हुआ, ये है भविष्य, ये है पास्ट, पास्ट को पास्ट फ्यूचर को खींच के लेके जाता हुआ। लीजिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं अपन 54। एक्चुअली में हुआ क्या, बारिश जो स्टार्ट हुआ ना, बारिश ऐसी बारिश हो रही थी, मतलब कैमरा मेरा भींग जाएगा, ख़राब हो सकता था, लेकिन उतनी बारिश से मैं पूरा नहीं भींग सकता था, तो इस वजह से कैमरा उतार के रख लिया। अब ये है नदी का नाम तो नहीं पता है, गूगल मैप होता देखता तो उसमें लिखा होता, कंफर्म तो नहीं है कौन सी नदी है, ये शायद सोन नदी है, 54 के पास से गुजरती है, कौन सी नदी है कंफर्म नहीं है। ब्रिज है, क्रॉस कर रहे हैं, तो थोड़ा ही आगे आया फिर से बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब मेरा पहला मोटो ब्लॉग लॉन्ग राइड इस तरह का होगा, मैंने उम्मीद भी नहीं किया था। अभी अपने को उसी पहाड़ पर चढ़ के जाना है, बस उसी को बोलते हैं वहाँ पे जलेबिया मोड़, मतलब पहले के लोग जलेबिया मोड़, गिरलोरी का मोड़ बोलते हैं, ख़तरनाक वाला ऐसे ऐसे मोड़ है, तो उसी पर चढ़ करके फिर वो अपने को रॉपटगंज जाते हैं, वो रास्ता जाते हैं। जलेबिया मोड़ जो बिरलोरी का पहाड़ है, उससे ठीक पहले बारिश बंद हो गया, थोड़ा धूप निकला है, बैटरी भी चेंज किए हैं, उसके बाद थोड़ा नेचर कॉल आ गया था। टाइम 11:38 हो रहा है, आधा से ज़्यादा दूरी कवर कर लिए हैं, लगभग अपन आ गए हैं 154 ही आपका है, आपका 110 किलोमीटर, और उससे 10 मतलब 125 किलोमीटर आ गए हैं। अभी अपने को जाना है 80 किलोमीटर और जाना है, 120 आ गए तो 80 किलोमीटर और जाना है। पूरा एकदम बाइक गंदी हो गई, हम भी पूरा आगे से भींग चुके हैं, जूता पानी अंदर जा चुका है, एकदम शूज सॉक्स वगैरह सब गीला हो चुका है। पहला लॉन्ग राइड, ये एक्सपीरियंस इमेजिन नहीं किया था। टूरिंग का तो यही मज़ा है कि आपके मतलब आपके हिसाब से डिसाइड नहीं रहता है ना भाई, रास्ते पे निकल गए हैं, अब जो होगा वो अब उस वक्त पे छोड़ दीजिए और उस वक्त का मज़ा लीजिए, इंजॉय करिए। अगर मेरे हिसाब से सब कुछ होने लगे तो फिर मतलब रास्तों का, टूर का या कुछ भी करने जा रहे हैं तो सब अब मज़ा ही क्या रह गया। वाराणसी रह गया है दोस्तों 96 किलोमीटर, तो अपने को बनारस नहीं जाना है, बनारस से आप 10-15 किलोमीटर पहले ही आता है टेंगरा मोड़, वहाँ से अपने को राइट ले लेना है और मुगलसराय के लिए अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो सामने का क्या नज़ारा है,
बहुत बड़ा सा कोई तालाब है। देख रहे हैं ट्रकें कितनी धी स्लो स्लो चढ़ रही है। ओहो देखिए 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 ट्रैक्शन फेल हो जाता है, जैसे मोमेंट टूट जाता है तो बहुत रिस्की हो जाता है ट्रकों के लिए। क्या खूबसूरत व्यू है, अभी तो ऊपर चलना है, वहाँ से और ही बेहद ही खूबसूरत व्यू आता है। वीरलोरी पत्थर स्मारक हिस्ट्री रहा है, वीरलोरी का क्या हिस्ट्री रहा है मुझे तो कंफर्म पता नहीं है, इसके बारे में मैंने पता भी नहीं किया। रुके यहाँ पे कि क्या करें, नहीं निकलते हैं, रुकेंगे तो ज़्यादा लेट हो जाएगा। जी दोस्तों स्वागत है आपका रॉबर्टगंज में, रॉबर्ट्सगंज में, एक्चुअली में रॉबर्ट्स किसी अंग्रेज के नाम पर है, रॉबर्ट्सगंज। अब मन तो नहीं है दोस्तों रुकने का, क्योंकि जो नाश्ता कर लिए थे तो पेट तो अपना है, कुछ भी भूख वगैरह नहीं है अभी फ़िलहाल, तो नहीं रुकते हैं, सीधे अब निकलते हैं। तो लीजिए दोस्तों ये रास्ता जाता है मिर्ज़ापुर के लिए, कट जाता है प्रयागराज विंध्याचल मिर्ज़ापुर, और ये चला जाता है बनारस के लिए। तो अपने को तो जाना है इस वाले रोड पे। बार बार कैमरे में फॉग जम जा रहा है, यही थोड़ा सा टेंशन अपने को है, इसका लेंस फिर से उतारना पड़ेगा। रुकते हैं, बाइक भी अब थोड़ी 125 सीसी है, बाइक कितना खींचेगी, नॉन स्टॉप खींच रहे हैं कब से, 70-80 यही चल रहे हैं, और इसका इंजन हल्का सा गर्म हो गया है। ओहो भाई साहब असली मज़े तो ये ले रहे हैं, पूरा ट्रैक्टर के ट्रॉली में पूरा एकदम बैठ करके मज़ा ले रहे हैं सब मौसम का। अपनी ब्लैक ब्यूटी भी बोलेगी कि चलाता है तो एकदम सीधे लगा देता 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप, और नहीं चलाएगा तो ड्यूटी से लेकर के स्टेशन, स्टेशन से रूम, रूम से ड्यूटी, मतलब मात्र 100-200 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर यही चलाते हैं। बाइक का भी हम आदत बिगाड़ देते हैं, आराम देंगे तो आराम ही देते रहेंगे, और भगाएंगे इसको तो फिर सीधे 200 किलोमीटर भगा देंगे। ये भी अपनी ब्लैक ड्यूटी भी बोलेगी कि क्या चाहते हो तुम मुझसे, या तो चला लो या तो फिर आराम ही करा लो। लगातार चलाने से पूरा पैर जाम हो गया, बैक में पेन होने लगा, और सामने का मौसम पूरा एकदम बारिश वाला हरा भरा, देख रहे हैं लग रहा है कि बारिश हो भी रहा है। उधर मुगलसराय 50 किलोमीटर, रामनगर 42, अदलहाट 21 किलोमीटर। तो अपने को अगर 50 में से अगर मैं कितना माइनस कर दूँ, 5-7 माइनस कर दूँ तो लगभग अपने को अभी 42-43 किलोमीटर जाना है। ओहो तो लीजिए दोस्तों पहुँच गए, आहरा से ठीक पहले पड़ता है लखनिया दरी। भाई साहब वाटरफॉल सामने, कैमरे में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ से दिखाते हैं आपको, वहाँ से क्या सुंदर नज़ारा है ना, बेहद ही खूबसूरत। ओहो क्या खतरनाक व्यू है, मोबाइल में आपको दिखाते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा, और सामने वाटरफॉल भी है। एक्चुअली में जब भी बारिश होता है तब वो वाटरफॉल दिखता है, हाँ गर्मी में नहीं दिखता है। ये रे अपनी ब्लैक ब्यूटी, और सामने क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या व्यू है, एक नंबर तगड़ा। इधर भी पहाड़ है, ये रास्ता पहाड़ों के किनारे किनारे ही गया हुआ है, और ये पूरी नदी है, ये शायद चंद्रप्रभा नदी है, कंफर्म नहीं है मुझे, जिनको कंफर्म हो शायद अंदाज़ा यही है कि चंद्रप्रभा नदी ही है शायद। और इसी पहाड़ के ठीक इस पहाड़ के पीछे लखनिया दरी वो है, वाटरफॉल है। गए थे हम बहुत पहले 2018-19 में गए थे, ये रहा वाटरफॉल। बारिश में वाटरफॉल दिखता है, हर बारिश ख़त्म वाटरफॉल ख़त्म, क्या खूबसूरत व्यू है। पहले ये ब्रिज नहीं था, ये ब्रिज नया बना है,
नहीं तो पहले आने नहीं, वो वाला ब्रिज, ये वाला तो शायद अभी बना है, वो वाला ब्रिज आगे दिखाएंगे आपको, ये वाला ब्रिज, ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, इस वाले से नहीं, ये किनारे किनारे वही लखनिया दरी जो डैम है, वो डैम सॉरी वाटरफॉल है, उसी के किनारे से मतलब रास्ता जाता था, लेकिन बहुत लंबा 3 किलोमीटर घूम करके वो उस पतला रास्ता भी था, तो ये ब्रिज बनाया गया नदी को क्रॉस करके पूरा लंबा चौड़ा। और लोकेशन देख रहे हैं कहाँ पे खड़े हैं, एकदम तगड़ा वाला चले हैं, कोई रहता तो फोटो वगैरह क्लिक कराते, कैसे क्लिक करें। निकलते हैं दोस्तों, 12:30 एग्जैक्ट टाइम हो रहा है, तो और अपने को आधा घंटा 45 मिनट लगेगा, तो 1 बजे तक या फिर 1:15-20 तक पहुंच जाएंगे। ज़्यादा नहीं रह गया, मात्र यहाँ से 30 किलोमीटर रह गया है अपना घर। 30 किलोमीटर कितना टाइम, आधा घंटा 45 मिनट, इससे ज़्यादा तो नहीं लगेगा क्योंकि रास्ता एक नंबर का है ना। क्या खूबसूरत व्यू है, और उसके किनारे ये रास्ता खूबसूरत सा। पता है अपने जो भी चंदौली बनारस या फिर इधर मिर्ज़ापुर के लोग, मतलब पूर्वांचल में जो आसपास के ये डिस्ट्रिक्ट हैं, तो लोग जब भी घूमने का अगर प्लान बनाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किधर जाएंगे, इधर ही आएंगे सोनभद्र में। इधर ही आगे आपको दिखाएंगे दो तीन ठो तो वाटरफॉल बना, वाटरफॉल बोल रहे हैं, वाटर पार्क बना हुआ है, तो लोग आते हैं गर्मी के दिनों में खूब इंजॉय करते हैं। और आपको इन पहाड़ों पे जो बरसात के दिनों में हर तरफ छोटे छोटे झरने दिखाई देंगे, बरसात के ही दिनों में सिर्फ। ओ भाई साहब, ये छोटी छोटी चिड़ियाँ एक ही जगह कैसे मंडरा रही हैं, नीचे तो लगता है कुछ हो सकता है। एक और छोटा झरना, और ये दोस्तों आज का हमारा अपना तीसरा, एक्चुअली में ये जो टोल है ये आगे पड़ेगा नारायणपुर से ठीक 4-5 किलोमीटर बाद में पड़ता है, टोल है उसी का, ये अस्थाई टोल है, ये उसी के अंडर में आता है। अगर वहाँ से कोई बच के निकल गया तो वो यहाँ पे टोल देगा ही देगा, तो इसको इसलिए यहाँ पे बनाया गया है कि बहुत सारे लोग वहाँ से साइड से रास्ते हैं तो क्रॉस करके निकल जाते हैं, तो उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे परमानेंट वो है, लेकिन ये टेम्परेरी बनाया गया है टोल, जो बच कर निकल जाएंगे तो वो यहाँ पर आकर टोल दे ही देंगे। तो हमको लगता है कि 5-7 किलोमीटर बाद में ये टोल बना हुआ है। ओ भाई साहब, क्या खतरनाक काम कर रहे हैं यार, पैर से धक्का भी दे रहे हैं, वो भी स्पीड में, स्लो तो जाना चाहिए कम से कम। तो भाई साहब अपनी ब्लैक ब्यूटी ने कर दिया है तगड़ा ही काम, नॉन स्टॉप एकदम चलाएं इसको, अभी कोई इशू हमको इसमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो ज़्यादा इंजन गर्म नहीं हो पाता, गर्मी का दिन रहता तो हो सकता था थोड़े इंजन में हल्के फुल्के सिम्टम दिखते, मतलब ज़्यादा हीट करता, लेकिन बारिश के मौसम की वजह से मौसम ठंडा है और इसको नॉन स्टॉप चला दिए हैं 200 किलोमीटर नॉन स्टॉप। क्या खतरनाक, 125 सीसी के बाइक के लिए मतलब नॉन स्टॉप 200 किलोमीटर मायने रखता है। बीच में रेणुकूट रुके थे नाश्ता करने के लिए, वो भी मात्र कितना 10-15 मिनट के लिए रुके होंगे, फटाफट से नाश्ता किए और तुरंत ही निकल गए क्योंकि बारिश बंद हो गई थी, तो तुरंत निकल गए नाश्ता करके। और आज का अपना आखिरी टोल प्लाजा, इससे पहले जो एक छोटा सा दिखाए थे ना, ये इसी का वो टेम्परेरी बनाया हुआ है, यहाँ से लोग आसपास से ना छोटे छोटे रास्ते निकले हुए गांव से जो घूम करके आगे इसी हाईवे में मिल जाते हैं, तो लोग क्या करते हैं जो जानते हैं वो बच जाते हैं, तो इसीलिए इसको बनाया गया है कि जो भी बच जाएगा यहाँ पर वो आगे नहीं बच। हाईवे अथॉरिटी ने बहुत सोच समझ करके यहाँ से वो वाला टोल बनाया है, क्योंकि वो आसपास पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ, कहीं से रास्ता ही नहीं है कि हम निकल पाओ, तो उसको टेम्परेरी बनाया हुआ है ऐसा ही, मतलब मुझे जहाँ तक मुझे मालूम है उसी लिए बनाया गया है। वो निकले थे हम रूम से कितना 8:15, लेकिन फिर बारिश हो गई, रुक गए थे मार्केट में, सिंगरौली मार्केट में रुक गए थे, तो 9 वहीं बज गया था। जब 9 वहीं बज गया तो फिर अगर देखा जाए तो अभी टाइम 1 बज रहा है, तो
ओवरऑल देखा जाए तो अभी 3.5 घंटे हुए हैं हमको ट्रैवल करते हुए बाइक से, और आधे घंटे लगेंगे और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे अपने घर। अब इस बाइक को लेकर के दोस्तों ना बहुत सारे प्लान हैं मेरे, इन फ्यूचर प्लान हैं और तगड़े तगड़े लॉन्ग राइड करने के लिए भी। तो ये शुरुआत है, अपने को हैबिचुअल बना रहे हैं, मतलब आदत डाल रहे हैं अपने को कि अपन आदत पड़ जाए और चीज़ों को समझ ले, उसके बाद और तगड़े तगड़े लॉन्ग राइड किया जाएगा धीरे धीरे। शौक़ है मेरे, सारे शौक़ पूरे करेंगे, इसी लाइफ में करना है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। अभी एज है, शरीर में जोश है, ताकत है, तो कर सकते हैं, बैठे बैठे बाइक पर खींच सकते हैं। एक बार जहाँ एज आपका गिरना शुरू होगा 40-45 साल की एज में, बाइक पर बैठकर 200-400 किलोमीटर चलाना संभव नहीं है। अगर आपने बॉडी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा है तब जाके संभव है, नहीं तो जय दत्रा वीर बाबा, जय टेड़ुआ वीर बाबा। बहुत ही जागता मंदिर है वो दत्रा वीर बाबा का, टेड़ुआ वीर बोलते हैं उनको। ओ भाई साहब, खतरनाक वाला। आधा पहिया मेरा चला गया गड्ढे में, पूरा डूब गया था। लीजिए दोस्तों, एक तगड़ा सा ऑफ रोड करने के बाद, गड्ढों में से निकलने के बाद, अब आ गए एक सुंदर बेहद ही खूबसूरत रोड पे, जाता है टेंगरा मोड़ से मिर्जापुर के लिए। बहुत ही खतरनाक रोड बनाया, मतलब फिनिशिंग इतना तगड़ा है कि मत जरा सा भी बम्प कहीं नहीं है, क्योंकि टोटल पूरी RCC ढलाई किया हुआ है, RCC रोड है। पूरा रोड पे पानी भरा हुआ है, नदी बना हुआ है। ओ भाई, पूरा सूज भींग गया, फिर से पूरा सूज के अंदर चला गया पानी। देख रहे हैं पैर का क्या कंडीशन हुआ है। जो सिंगरौली से मेरा बारिश स्टार्ट हुआ वो घर तक पीछा नहीं छोड़ा। भगवान बोले, मेरी पहली मोटो ब्लॉग थी उसमें भी खूब बारिश हुआ था। उसके बाद फिर आज पहला लॉन्ग राइड है मेरा, ये कंडीशन हुआ। सिंगरौली से बारिश स्टार्ट हुआ और यहाँ तक बारिश ही मिलता रहा। लीजिए, इतने सुंदर रास्ते पे आते ही अपने को मिल गया ट्रैफिक, हालांकि अब ज़्यादा दूर बचा नहीं है। ओह, बस थोड़ी देर बाद अपन NH पे पहुँच जाएंगे, नेशनल हाईवे। यहाँ से लेना अपने को लेफ्ट, क्योंकि सीधे जाएंगे तो फिर गोल चक्कर ज़्यादा घूम करके आना पड़ेगा मेन रोड हाईवे पे जाने के लिए। तो यहीं से नीचे उतर के ब्रिज से क्रॉस करके रास्ता आगे जा करके मेन हाईवे पे मिल जाता है, नहीं तो अगर सीधे जाएंगे तो फिर हमको सीधे मेन हाईवे से और अंदर जाना पड़ेगा, फिर वो गोल चक्कर घूम करके आना पड़ेगा। ये रहा दोस्तों, सीधे जाएंगे टेंगरा मोड़, इधर जाएंगे जूनागढ़, सीधे बनारस। सामने वो रहा टेंगड़ा मोड़। तो यहीं ब्रिज के नीचे रुके हुए हैं दोस्तों, बारिश थोड़ा तेज़ हो गया है, थोड़ा स्लो हो जाए तो फिर निकलें, चलते हैं दोस्तों। बारिश हो चुकी है बहुत, इतना दूर से आ गए हैं तो इतना में क्या रखा है, हल्का फुल्का इतना तो। मेन टेंशन कैमरे के है ना। ओ माय गॉड, बड़ा तगड़ा गड्ढा था। तो आ गया दोस्तों, फाइनली पहुँच गए अपन मेन हाईवे, नेशनल हाईवे NH 44 पे, जो जाती है कहाँ से जाती है, कश्मीर टू कन्याकुमारी NH 44। तो ये वही NH 44 है जो कि इंडिया के सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, NH 44। ओ तो लीजिए दोस्तों, फाइनली अपन आ गए हैं 6-lane highway NH 44। बोल रहे थे दोस्तों 5 मिनट भी नहीं लगा, मात्र 2-3 मिनट लगाए 5 किलोमीटर कवर करने में। रास्ता इतना मक्खन जैसा है ना, कीमत पूछिए। फाइनली दोस्तों पहुंच गए अपने गांव। अपने गांव में आने के बाद क्या ही सुकून मिल रहा है, खुशी मिल रही है कि मैं क्या ही बताऊं। 4 महीनों बाद मैं अपने गांव में एंटर कर रहा हूं, और अपने गांव की गलियों सड़कों, क्योंकि खाली टाइम में इधर ही अपन घूमते फिरते टहलते रहते थे। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली पहुँच गए अपने घर, और ये रहा अपना घर सामने, ये वाला, ये जो खिड़की दिख रही है ये अभी पूरा बन रहा है घर मेरा, काम वम लगा था 2nd floor का, और फाइनली पहुंच गए अपने घर। हाय हाय हाय, 4 महीने के बाद कैसा लग रहा है,
बता नहीं सकते कैसा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। ये मेरा घर है, ये चाचा घर है, वो बड़े पापा का घर है। चढ़ाते हैं बाइक को अंदर। अरे खोलो भाई। तो लीजिए दोस्तों, फाइनली पहुंच गए अपने घर, और अपनी बाइक का कंडीशन कुछ पूरा एकदम गंदा हो चुका है, और अपन भी पूरा गंदा हो चुके हैं। देख रहे हैं शूज पूरा भींग चुका है, और कपड़ा देख रहे हैं पूरा गीला हो चुका है। तो ठीक है दोस्तों, चेंज कर लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं आपसे।